असुर एक ब्रह्म राक्षस। आज की कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। अंधेरा अक्सर सच बयां करता है, जैसे सुर्ख चटकीले रंग से रंगी ये दीवार बिना रोशनी के कितनी फीकी दिखाई देती है। दिन भर चहल पहल और कोलाहल करता ये शहर अंदर से कितना शांत है। और ये घर जहां कभी लोगों का हुजूम रहता था, लेकिन आज अगर इस घर में कुछ बाकी है तो वो है मौत का सन्नाटा। सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। भागे जा रहे हो बाबू? उस ओर जाने से मना किया था ना? पर काका, ये चीख किसकी थी? वर्षों से वीरान पड़ी है हवेली और पीछे शमशान। बाबू, यहाँ भूत पिशाचों का आना जाना है। ऐसी छोटी मोटी चीखों से परेशान मत हो। बस इतना ध्यान रखना कि भूल कर भी तुलसी से खींची गई इस लकीर को पार मत करना। पर काका, ये आवाज कोई मदद के लिए भी तो? बेटा, इस हवेली में रहने आए हो तो खुद की मदद करना सीख लो। अब अपने कमरे में जाओ, मैं भी चलता हूँ। डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, नींद आ जाएगी। इतना कहते हुए काका वहां से निकल गए, पर विक्रम की नजर अब भी आंगन के तुलसी से खींची हुई लकीर पर ही टिकी थी। और किसी के चीखने की तो किसी के हंसने, किसी के रोने की आवाजें लगातार उसके कान में आ रही थी। टेंशन के मारे विक्रम अपनी जेब से लाइटर निकाल सिगरेट जलाने को हुआ ही था कि तभी वो काली बिल्ली चीखते हुए वहां से दौड़ पड़ी, जिससे विक्रम के हाथ से सिगरेट नीचे गिर गई। और अब वो काली बिल्ली और विक्रम एक दूसरे के सामने खड़े थे। विक्रम सिगरेट उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि काली बिल्ली घूर घूर कर उसे ही देखने लगी, मानो वो विक्रम का शिकार करने आई हो। विक्रम झुका तो था सिगरेट उठाने के लिए, लेकिन डर के मारे अब उसका गला सूखने लगा था। वो बस एकटक उस बिल्ली को ही देखे जा रहा था कि तभी उस बिल्ली ने विक्रम की तरफ एक कदम बढ़ाया और आंखें बड़ी कर विक्रम पर जोर से मिली आई। चल भाग यहां से, साली बिल्ली मुझे डराती है। इतना कहे विक्रम सिगरेट उठा सीधा छत की ओर चल दिया। छत से पूरा कब्रिस्तान साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें अपने आप ही एक बेचैनी थी। और ऐसी ही बेचैनी विक्रम के अंदर भी थी, जिसे शांत करने के लिए वो सिगरेट को मुंह से लगा आसमान को सफेद करने की कोशिश में लग गया। कौन मानेगा ये जगह भूतिया है और ये शमशान? मुझे तो बस सुंदर पहाड़ी और ये खूबसूरत तालाब ही दिख रहे हैं, मानो जिस पर आसमान से चांद उतर आया है। सिगरेट के कस लगाते हुए विक्रम तालाब के पानी में मचलती चांद की रोशनी के मजे ले ही रहा था कि तभी उसके अंदर से एक आदमी अपने हाथों को जोड़ पानी के ऊपर निकला। पानी में भीगे उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे। वो लगातार अपने होठ हिलाता हुआ किन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, पर विक्रम ये नहीं समझ पा रहा था कि भला कोई सुबह 4 बजे शमशान के तालाब में नहाने क्यों आएगा। इधर विक्रम सिगरेट का कश लेता रहा और उधर वो आदमी दोबारा से पानी के अंदर चला गया। उसे देख विक्रम की बेचैनी दोबारा से बढ़ने लगी। वो जोर जोर से सिगरेट का कश लेने लगा कि तभी वो आदमी दोबारा पानी के ऊपर निकला और सीधे विक्रम की तरफ देखते हुए आंखें खोली। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थी। उस आदमी को खुद की तरफ घूरता देख विक्रम का कश लेना अचानक से रुक गया, गला सूखने लगा। और अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उस इंसान का चेहरा अचानक से उसके सामने आ गया और चीख कर वापस से गायब हो गया। विक्रम की सांसें तेज होने लगी और जलती हुई सिगरेट उसके हाथ से एक बार फिर छूट गई। इधर पानी में खड़ा वो शख्स विक्रम की तरफ देख ऐसे हंस रहा था जैसे कोई दुश्मन की मौत पर हंस रहा हो।
ऐसी भयानक हंसी सुन घबराहट के मारे विक्रम बुत बना खड़ा अपनी सूखती सांसों के साथ उसे देखे जा रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, खुद अपनी मौत को न्योता देने आ गया यहाँ। निकल जाएगी ये जगह तुझे, अपनी मौत की भीख मांगेगा तू यहाँ, पर माफ नहीं करेगी तुझे सामोली की आत्माएं। नहीं, 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 नहीं! चीखते हुए विक्रम अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ गिरते पड़ते हुए सीढ़ियों से अपने कमरे में जा घुसा और दरवाजा अंदर से बंद करके बिस्तर पर जाकर बैठ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बचकर वहां जाओगे विक्रम, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अब अगर यहां से कुछ जाएगी तो वो तुम्हारी आत्मा, वो भी हमारे साथ। उनके इन्हीं बातों के साथ दरवाजे पर दिल को दहला देने वाली दस्तक शुरू हो गई। जैसे एक नहीं कई लोग दरवाजे को पीट रहे हो और तोड़कर अंदर घुस जाना चाहते हो। इधर विक्रम की बेचैनी से सांसें फूल रही थी। वो घबराता हुआ खिड़की के पास गया तो वहां देखा कि घर के नीचे से होते हुए आग ऊपर की ओर बढ़ रही है और पूरा का पूरा घर एक पल में आग की चपेट में आने वाला है। विक्रम हर तरफ से मौत के घेरे में निपट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे अपनी जान बचाए, कि तभी उसके दिमाग में काका की एक बात कौन थी। डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, नींद आ जाएगी। जय हनुमान ज्ञान कुल सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। आग आग आग, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। विक्रम विक्रम होश में आओ, क्या हुआ है तुम्हें? ये लो पानी पियो। कितनी बार कहा है मत पिया करो इतनी सिगरेट। इतना कहकर सुमित्रा ने विक्रम के मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंकी ही थी कि तभी विक्रम ने उसके मुलायम गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। ए, जो है वही रहे, मेरी बीवी मत बन सुमित्रा। सुमित्रा भी क्यों साहब, जो हूँ वही कह लो। वैसे मेरी ही गलती थी जो खुद को खास समझने लगी। भूल गई थी ना मैं कि हूं तो मैं गंदी बस्ती में रहने वाली एक। क्यों रोक रहे हो विक्रम साहब, बोलने देते ना, आखिर सच से भागकर कहां जाऊंगी। और आप डरो मत साहब, मैं आपकी बीवी नहीं बनना चाहती। अपनी औकात पता है मुझे, हम जैसों के सिर्फ सुहागरात होती है, कभी डोली नहीं उठती। ऐसी बात नहीं है सुमित्रा। ऐसी नहीं तो कैसी बात है साहब, चुप क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं? अरे मान लीजिए साहब, बाकियों की तरह आपके लिए भी मैं पैसे के लिए लोगों का बिस्तर गरम करने वाली औरत हूँ। कैसे मान लो सुमित्रा, जब मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो क्या अपनी बीवी बनाने का सोच रहे हो? काश कि मैं ऐसा कर सकता। बात तो वहीं अटक गई ना साहब, कि मैं बस यहीं रहने के लिए लायक हूँ। रहने दो सुमित्रा, तुम नहीं समझोगी। कमरे में बिताए 4 घंटों के अलावा तुम और जानती ही क्या हो मेरे बारे में। जहाँ हो खुश रहो, जिंदगी बनी रहेगी, मेरे साथ तो मौत है। मतलब? मतलब तुम नहीं समझोगी, मैं चलता हूँ। आज नहीं सुमित्रा, हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं साहब, आज मुझे वो सब जानना है जिससे मैं अनजान हूँ। यूं रातों को क्यों चीखते हो आप? कौन आपको मारना चाहता है? ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको भीतर से खाए जा रही है? सच जानना है ना तुम्हें, तो सुनो। मैं कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा हूँ।
मैं प्यार कर तो सकता हूँ पर कभी उसे पा नहीं सकता। मुझे नींद तो आती है पर मैं कभी चैन से सो नहीं पाता। ना मैं मर सकता हूँ ना ठीक से जी पा रहा हूँ। सुमित्रा, मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं जहन्नुम है। उस तपस्वी के श्राप से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। विक्रम के मुंह से तपस्वी का नाम सुन सुमित्रा की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा था, जैसे तपस्वी ने विक्रम को नहीं बल्कि उसे श्राप दिया। उसके बदलते हाव भाव देख विक्रम चुप हो गया, पर तभी सुमित्रा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन विक्रम के जिस्म का सारा खून सूखने को हो गया। तुम सामोली गांव के विक्रम हो? सामोली के बारे में तुम कैसे जानती हो? आखिर हो कौन तुम? रेवती की बहन तेजस्विनी। रेवती? रेवती तो याद ही है ना तुम्हें विक्रम, या धोखा देकर उसे भी भूल गए तुम? मैंने धोखा नहीं दिया सुमित्रा, मेरा विश्वास करो। सुमित्रा नहीं तेजस्विनी। ये कहते हुए सुमित्रा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और देखते ही देखते कमरे की चारों दीवार किसी बवंडर की तरह घूमते हुए एक खंडहर में तब्दील हो गई और सुमित्रा भी लड़की से बदल अघोरी तांत्रिक के रूप में आ गई और आगे बढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी विक्रम, पर मुझे नहीं पता था कि तुम वही दुश्मन हो जिसे मैं तर बदर ढूंढ रही थी। और विक्रम, तुझे रातों में जगाने वाला और कोई नहीं बल्कि तेरा ही बेटा है, एक असुर, एक ब्रह्म राक्षस। मेरा बेटा? हाँ हाँ, तुम्हारा ही बेटा जिसे तो मेरी बहन की कोख में छोड़कर भाग गया था। इतना कहते ही सुमित्रा ने विक्रम के हाथ को पकड़ा और मंत्र बुदबुदाने लगी, जिसके साथ ही पूरा खंडहर घूमने लगा और सब धुंधला धुंधला हो गया। और फिर जब विक्रम की आंखें खुली तो वो उसी हवेली के कमरे में था। चारों तरफ से औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और खिड़की के बाहर तालाब में खड़ा था असुर, जिसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, आ गए अपनी मौत को गले लगाने। आखिर विक्रम ने क्यों दिया रेवती को धोखा? जो तपस्वी मृगांक ने दिया उसे श्राप, विक्रम का बेटा असुर कैसे बना एक ब्रह्म राक्षस? क्या तेजस्विनी बन चुकी सुमित्रा भुला देगी अपना पहला प्यार और चढ़ा देगी विक्रम की बलि? आप देखेंगे असुर के दूसरे भाग में। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।